देश में मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है। कैसे इन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हर कोई जानता है और ऐसी कई तस्वीरें देखने को भी मिल रही हैं। वही हादसों का दौर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तड़के औरैया सड़क हादसे के बाद अब छतरपुर जिले के बकसवा थाना क्षेत्र और सागर जिले की सीमा पर बकसवाहा में मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इन तस्वीरों से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे भोपाल से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा लोहे से भरा हुआ ट्रक छतरपुर जिले के बकसवाहा थाना क्षेत्र के सेमरा पुल के पास पलट गया। दुर्घटना में ट्रक सवार 6 श्रमिकों में 5 की घटना स्थल पर और साथ ही 17 वर्षीय एक लड़की की सागर जिले के बंडा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में घायल 2 दर्जन से ज्यादा मजदूरों को बंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में से 1 की पहचान गुड़िया के रूप में हुई है, जबकि 5 अन्य की पहचान अभी भी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो अलग अलग स्थानों पर जा रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सागर में सड़क दुर्घटना में कई श्रमिक बंधुओं के असमय काल कवलित तथा घायल होने का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने एवं परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि। News Desk.